The question says, which of the following metals loses its meniscus after reacting with ozone? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल ओजोन से रिएक्ट करने के बाद अपने मेनिस्कस को लूज कर देगा. अब यहाँ पे अगर हमारे जो गिवन ऑप्शन है उन्हें हम देखें तो लेड, कॉपर और जिंक ये तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका तो मेनिस्कस होगा नहीं. मेनिस्कस होता है मरकरी का. मरकरी के केस में क्या होता है, मरकरी कभी भी ग्लास की वॉल से, अगर हम मरकरी को मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने मरकरी ली है, तो ये कभी भी ग्लास की वॉल से स्टिक नहीं करती और इसका डाउनवर्ड इस तरीके से मेनिस्कस होता है. तो मरकरी जो होती है इसकी जब रिएक्शन होती है ओजोन के साथ में तभी अपना मेनिस्कस जो है लूज कर देती है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं मरकरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जी से, लूजेस इट्स मेनिस्कस मेनिस्कस आफ्टर रिएक्टिंग विद ओजोन. और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है. तो मरकरी जब रिएक्ट करती है ओजोन के साथ में तो यहाँ पे फॉर्म कर लेती है मर्क्यूरस ऑक्साइड Hg2O और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म होती है. तो इस मर्क्यूरस ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से ये मर्क्यूरस ऑक्साइड जो होता है ये ग्लास वॉल पे स्टिक भी करता है और इसका कोई मेनिस्कस नहीं होता, तो ये यहाँ पे मर्करी का मेनिस्कस लूज हो जाता है. इसको हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्करी. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी, मर्करी. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.